माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक बार बताइए, अगर शहादतें जब लेनी हो तो सिख समाज को आगे कर दो, जब उनको कोई राज चाहिए या वो अपना अधिकार मांगते तो उनको आतंकवादी बता दो। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ अगर वो अपने खालिस्तान की मांग करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे अलग से एक एरिया बना कर दो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेरे सिख समाज की ऐसी कोई डिमांड नहीं है। कोई भी एक बार बताइए, उन्होंने डिवीजन में अपना ननकाना साहब इतना पवित्र स्थान खो दिया, तो अब क्या यही प्रक्रिया चलती रहेगी? वो लोग कभी जाके जो अपने दरबार साहब हैं, अपने जो पंडा पटना साहब हैं, तो क्या ये लोग अपने अपने जो दरबार हैं, अपने अपने प्रभु के दरबार खोते रहेंगे? ये मानसिकता है, ये लोग मानसिकता के पीड़ित हैं, शिकार हो चुके हैं जो पार्टियां हैं, और वो हम लोगों के ऊपर जो है राजनीति कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती आगे आने वाले टाइम में हमारा यूथ जो है, हमारी युवा पीढ़ियां इसके अंधेरे में जाए और हम लोगों को गड्ढे में धकेला जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, खालसा का मतलब होता है बहुत पवित्र स्थान। और आज अगर मैं आप बात करूँ तो खालसा राज की मांग हर एक देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर है, क्योंकि मैं जहाँ भी बैठती हूँ लोग अंदरूनी तौर पर कहते हैं कि देखो खालसा राज आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों का ना बेड़ा गर्क करके रख दिया। चाहे वो सरकार कोई भी हो, तानाशाह सरकार, क्या हमारे इस देश के लिए भगत सिंह ने शहीदी दी थी? क्या फांसियां चढ़े थे जो हमारे जिन्हें देशभक्त ने इस समाज के लिए दी थी? आज हम लोगों को भी कहीं डर लगता है निकलने में। महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, बताइए आप कौन सा स्वतंत्रता हम लोगों को दी हुई है? कहीं ना कहीं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के रेप करके नालियों में फेंक दिया जाता है, आवाजें नहीं उठाई जाती। जब बड़े बड़े नेता कोई कार्य करते हैं उनके सो को दबा दिया जाता है। मैं पूरे भारत देश से पूछना चाहती हूँ, कहीं आप लोगों ने कहीं सरदार को कहीं भीख मांगते देखा है? नहीं, क्योंकि सिख कौम हमेशा जो है ना किरत कर में विश्वास करती है, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी के सिख है। उन्होंने कहा है किरत कर, खुद भी करो और दूसरों को भी खिलाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे सनातनी लोग मुझे सुन रहे हो, पूरा देश सुन रहा हो, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग इन आडंबरों से ऊपर उठे हो और इन लोगों को जो है ना, ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान ये कलंक है, ये नाम भी कलंक है हमारे ऊपर। क्योंकि जिन मुसलमानों ने, जिन सिखों ने जो देश के लिए किया, क्या उनको आप देश निकाला दे दोगे? क्या उनको कह दोगे भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर मेरे सिख भाई ठीक डिमांड कर रहे हैं, दो उनको खालिस्तान, क्या दिक्कत है? मैं कहती हूँ कि उनको खालिस्तान दो। एक्चुअल में ये जो मानसिकता है इसके ऊपर ही राज किया जाता है। कोई इस चीज की डिमांड नहीं करता, ये राजनीतिक पार्टियां बना रही है कि आप हिंदुस्तान बना लो, इसको हिंदू राष्ट्र बना लो। मैंने खुद आपको बता दिया कि हिंदू कोई राष्ट्र नहीं, हिंदू का नाम जो है उसका नाम, उसको फारसी में चोर कहते हैं। अब आप ये लगा लो कि कोई भी हिंदुस्तान, कोई भी मतलब हिंदुस्तान को कैसे पसंद करेगी, हिंदू शब्द को कैसे कोई पसंद करेगा?